नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। रीवा जिले में भी 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस त्योहार को मनाने के पीछे कुछ प्रचलित कथाएं भी जुड़ी हुई है। इस पौराणिक कथा अनुसार अपनी बुआ के पुत्र शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने के बाद जब श्री कृष्ण उसे मारने के लिए शिशुपाल के साथ युद्ध कर रहे थे, तभी श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट जाने के कारण उससे खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू का टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने इसी वचन के तहत धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी के चीरहरण के समय उसके सम्मान की रक्षा की थी। मान्यता है कि तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। आपने भी अर्पित की राखी भगवान को, इसके पीछे क्या उद्देश्य? ये हमारी जो बजरंगबली की मूर्ति है, ये हमारे बब्बा जी के पिताजी 200 साल पहले लाए थे। उसके बाद हमारे पिताजी ने, मतलब पापा जी ने इनको मंदिर बनवाई और यहाँ पे स्थापित किया। जिससे भी हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो पहले, सबसे पहले पूजा आराधना बजरंगबली की होती है और इन्हीं को प्रसाद अर्पण होता है। उसी के चलते आज राखी का पर्व था तो आज हमने बजरंगबली को राखी अर्पित की। और जो भी हमारे परिवार में सुख समृद्धि है, सब इन्हीं का आशीर्वाद है। इसलिए हम लोग जो भी प्रोग्राम होता है, सबसे पहले बजरंगबली को अर्पित करते हैं। रीवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अमित पांडे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।